नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया 2 BHK फ्लैट लेके आए हैं, मेट्रो से बहुत ही ज्यादा नजदीक, मात्र 1.4 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से आता है उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन का, और 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो से। ये फ्लैट जो है हमें मिलता है कार पार्किंग के साथ में, इंडिपेंडेंट फ्लोर अपर ग्राउंड यूनिट होने वाली है, और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट रहती है कि हमें उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में मेट्रो से जो ई रिक्शा का रूट है उसके ऊपर हमें एक फ्लैट दीजिए। तो ये होने वाला है आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस। मुझे पर्सनली ये फ्लैट क्यों पसंद आया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। सबसे पहली बात, इसके अंदर एक फ्लोर पे हमें सिर्फ एक फ्लैट मिलता है, कार पार्किंग मिल रही है, अपर ग्राउंड फ्लोर है, एंट्रेंस बहुत अच्छी है, बालकनी में लाइट आती है, और क्या चाहिए आपको इस प्रॉपर्टी से? मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ चाहिए होता है। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से आपको पहले पार्किंग का एरिया दिखाते हैं, और उसके बाद में आपको पूरे फ्लैट का गो थ्रू देते हैं, और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं यहाँ से हमें और क्या क्या चीज़ों का बेनिफिट मिलने वाला है, IGL है या नहीं है। सारी चीज़ों के लिए पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, प्लीज़ गिव अस अ कॉल। और अगर आप इस तरह का इंटीरियर अपने घर में कराना चाहते हैं, इससे बेहतर कराना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये होने वाला है हमारा पार्किंग एरिया। अगर हम गली के साइज की बात करते हैं, काफी बढ़िया साइज में हमें गली मिलती है, 20 फुट चौड़ी गली, और उसके अंदर हमें मिलता है ये पूरा का पूरा ग्राउंड का पार्किंग स्पेस, जहां पे आप अपनी गाड़ी को बड़े शान से और इत्मीनान से लगा सकते हैं। गेट की बात करते हैं, गेट काफी चौड़ा होने वाला है, ऑलमोस्ट आपको जो चौड़ाई मिलती है यहाँ पे 15 फुट की चौड़ाई मिल रही है पूरा मत्था। और इसी पार्किंग एरिया के अंदर आपको मिलता है नीचे कोटा का स्टोन, और यहाँ पे हमें मिलती है हमारी मोटर्स लगी हुई, और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सारी के सारे टू व्हीलर्स बड़े आराम से यहाँ पे पार्क हो जाते हैं। और ऊपर जाने के लिए हमें मिलता है ये चौड़ा सा स्टेयरकेस, जो कि बहुत ही इनफ, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। आज ये फटाफट चलते हैं हमारे फ्लोर के ऊपर। सो दोस्तों, ये रहने वाला है एक लौता फ्लैट हमारे फ्लोर के ऊपर, आ जाइए अंदर। पहले मैं चाहूँगा कि आप इस तरफ से इस गेट को देखें और समझें। आजकल रिक्वायरमेंट है कि हमें चाहिए सेकेंड डोर, मतलब सेकेंड डोर, फर्स्ट डोर तो होता ही होता है, जाली वाला दरवाजे की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये हो गया हमारा जाली वाला डोर, जिसमें एक्स्ट्रा खर्चा होता है इंसान का, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले आपको फ्लोर प्लान बताते हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं ये होने वाला है हमारा कॉमन एरिया, जहाँ से आप सारी की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। पीछे आप देख रहे हैं मेरे, ये होने वाली हमारी किचन। इसके बाद में पहला बेडरूम हमें मिलता है यहाँ पे, दूसरा जो हमें वॉशरूम मिलता है कॉमन, वो मिलता है यहाँ पे, और हमारा जो लास्ट बेडरूम है वो होने वाला यहाँ पे। सो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फ्लोर है ये। अब सबसे पहले बिना किसी देरी के मैं आपको दिखाना चाहूंगा किचन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे हर एक फ्लैट का। नीचे की तरफ एक बार नजर मार लीजिए, और इसी नजर को मारते हुए आगे तक आ जाइएगा। जो आप नीचे देख रहे हैं पूरी फ्लोरिंग हमें मिलती है टाइल की, बहुत ही लाइट, बहुत ही डिसेंट कलर के अंदर। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे किचन एरिया के अंदर। तो जनरली 50 गज का जो फ्लैट होता है उसके अंदर जो हमें किचन का साइज मिलता है वो इतना अच्छा नहीं मिल पाता है, बट यहाँ पे काफी अच्छा साइज मिल रहा है। चौड़ाई की बात करते हैं, 5 फुट की चौड़ाई, और गहराई की अगर हम बात करते हैं तो 8 फीट की हमें गहराई मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा है इस फ्लैट के अनुसार अगर आप देखें तो। यहाँ पे हमें सनफ्लेम की चिमनी लगी लगाई मिल रही है, जो आपको मिलेगी अपने फ्लैट के साथ में। नीचे की तरफ आपको सारा का सारा जो भी काम होता है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको लगा लगाया मिल रहा है, देख सकते हैं आप। SS का काम हो रखा है प्रॉपर, आपको कोई एडिशनल खर्चा नहीं करना है। यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया हो जाता है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा वेंटिलेशन के लिए चिमनी और एग्जॉस्ट फैन। जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज किचन बनी हुई है, उसी तरह की ऑर्गेनाइज किचन आप भी बना सकते हैं। और यहाँ पे जो बचा हुआ एरिया है, जिस तरह से यहाँ पे अभी करंट ओनर ने सजा रखा है, उसी तरह से आप भी चाहें तो सजा सकते हैं। मुझे पर्सनली घर में फिश टैंक रखने का शौक नहीं है, लेकिन अगर आप घर में फिश टैंक रखने का शौक रखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आप अपने मछलियों को बहुत एक प्यारा सा घर दे सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे फ्रिज एंड ऑल, सारी की सारी वॉशिंग मशीन, सब चीज़ें बड़े अच्छे से इंस्टॉल कर दी गई हैं। फिर आ जाते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम के अंदर, उसका हमें साइज किस तरह से मिलने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, ये मिलने वाला है हमें इतना बड़ा और इतने बढ़िया साइज के अंदर वॉशरूम। एक बार आप इसकी चौड़ाई देखिए, 4 फीट चौड़ा, वॉल टू वॉल टाइल्स, नीचे भी टाइल्स, और
गीजर लगा हुआ है, सारी की सारी चीजें लगी हुई हैं, वेंटिलेशन के लिए हमें शाफ्ट मिलती है, जो जो रिक्वायर्ड है सारी की सारी चीजें हैं। लंबाई की बात करते हैं, इसकी लंबाई होने वाली है 7 फीट बाय 4 फीट। 7 फीट बाय 4 फीट के साइज में आपको ये वाला वॉशरूम मिलता है, जिसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। सारी की सारी चीजें, सारी की सारी फिटिंग्स जैसी आप देख रहे हैं वैसी आपको लगी लगाई मिल रही है, कोई जेब से आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे मेन बेडरूम के अंदर। इसको मैं मेन बेडरूम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ओनर ने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा के ये बहुत बड़ा सा वार्डरोब बनवाया है, जिसकी आप गहराई की बात करते हैं, मैं इसको ओपन नहीं कर रहा, बट 2 फुट की गहराई आपको मिल जाती है। और इस रूम के साइज़ की बात करते हैं तो ये रूम का साइज़ हमें मिलता है 10 बाय 10 का। 10 बाय 10 के अंदर आप आराम से अपना बेड लगाइए, 5 बाय 6 का अपना बेड लगा के उसके बाद में भी आपको ये वाली अलमीरा एक्सेस करने के लिए स्पेस मिल जाएगा। फैंस, लाइट्स, एक्सेंट वॉल, सारे के सारे कलर्स बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे बढ़िया लग रहे हैं। ये वाला पर्दा डाल के कैसा लगता है ये वाला भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो अलमीरा है उसको कोई ना देखे, तो इस तरह से आप अपने पर्दे लगा के इस पूरे एरिया को सेपरेट भी कर सकते हैं। और एल्स दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी अलमारी को फ्लॉन्ट कीजिए। यहाँ पे अलमारी के बाद में हमें मिलता है ड्रेसिंग स्पेस, जिसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा क्योंकि अगर इसमें और फर्नीचर ऐड करेंगे तो स्पेस हो जाएगा कम। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको लगा दिया गया है, जो कि प्रैक्टिकल है और यूज़ करने में आपके काम आएगा। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमें वही शाफ्ट मिलती है जिसकी वेंटिलेशन हमें मिल रही थी हमारे वॉशरूम के अंदर। यहाँ से आ जाएंगे थोड़ा सा आगे, अपने फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट और फाइनल बेडरूम के अंदर। सो दोस्तों, ये मिलता है हमें हमारा फाइनल बेडरूम और लास्ट बेडरूम आप कह सकते हैं इसको। साइज़ की बात करते हैं, ऑलमोस्ट हमें सिग्निफिकेंट सेम साइज़ के अंदर मिलता है 10 बाय 10 के अंदर, जिसके अंदर हम 6 बाय 6 का बेड ऑलरेडी लगा लगाया देख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक अलमीरा लगी हुई है, जो कि हमारी जो नॉर्मल साइज़ की अलमीरा होती है 3 बाय 6 वाली, वो वाली अलमीरा यहाँ पे हमें लगी लगाई मिलती है। यहाँ पे बड़ा वाला वार्डरोब नहीं लगाया गया, तो इस वाले रूम के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है। और यहाँ से हम थोड़ा सा अगर आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको एसी लगाने के लिए फिटिंग्स एंड ऑल, सारा का सारा सब चीज़ें लगी लगाई मिल जाएंगी। अब यहाँ से आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद में ये मिलती है हमको बालकनी हमारी। बालकनी में थोड़ा सा आप एक बार नज़र इधर मार लें, इसके अंदर अभी काफ़ी सारा सामान ऑलरेडी लगा हुआ है। आप चाहें तो आप भी अपना सामान इस तरह से ऑर्गेनाइज करके लगा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये होने वाला है हमारा स्टोर रूम। सो दोस्तों, पूरी वीडियो आपने देख ली, पूरा फ्लैट आपने देख लिया। जनरली जो सवाल रहता है मन में, वो सवाल ये रहता है कि प्राइस कितना है। अब आशीष की वीडियो जब आप देखते हो, उसके अंदर आप नीचे बहुत बुरे बुरे कमेंट करते हो कि आप लोग ऐसे करते हो, वैसे करते हो, पूरी वीडियो दिखाते हो, फ्लैट दिखाते हो, प्राइस नहीं बताते हो। ये फ्लैट बहुत ज़्यादा सस्ता होने वाला है। सस्ता इसलिए होने वाला है क्योंकि ये फ्लैट छोटा है, पहली बात तो 50 गज का 2 BHK छोटा ही मैं मानता हूँ। बट इस फ्लैट के अंदर प्राइस जो है इसकी USP है, तो इसके प्राइस को USP समझिए। और मेट्रो के पास होने के कारण जो इसका प्राइस आ रहा है, उस प्राइस पे आपको ऐसी चीज़ पूरे एरिया में नहीं मिल सकती है। ये जो फ्लैट है, इसके अंदर किसी तरह की सीलन कोई, आप चाहे ऊपर नज़र मार लीजिएगा जब आप विज़िट करेंगे, सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा से एक वॉक थ्रू दे सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप इन पर्सन विज़िट करेंगे, आपको बहुत साफ़ सुथरा ये फ्लैट है और भी मिल जाएगा। इस फ्लैट का जो प्राइस होने वाला है, वो रहने वाला है 20 लाख के आसपास। 20 लाख के आसपास रह सकता है, +2 है या -2 है, वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। मैंने आसपास आपको प्राइस बता दिया है, यही आपको चाहिए होता है कि हम ऑन वीडियो आपको प्राइस रिवील करें, तो मैंने आपको प्राइस रिवील कर दिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्राइस चेक कीजिए और कहां तक क्या हो सकता है वो बताएंगे हम कॉल पे। आशा करता हूं आपको ये वाला फ्लैट पसंद आया होगा। और इस बार हमारे प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत फास्ट, बहुत क्विक तरीके से हमने दिखाया। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, प्लीज़ गिव अस अ कॉल। अगर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, रेनोवेट कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, आशीष द मास्टरमाइंड है हमारे पास इन सारी चीज़ों को करने के लिए। हम उसकी सहायता लेके एक बढ़िया सा इंटीरियर, बढ़िया सा मकान बना सकते हैं। प्लीज़ गिव अस अ कॉल। नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, बार बार फ्लैश हो रहे हैं, नहीं नंबर अगर आप फ्लैश रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, प्लीज़ नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में। प्रॉपर्टी का कोड ये रहा, हम पूछते हैं प्रॉपर्टी का कोड क्या है, तो ये रहा प्रॉपर्टी का कोड, इसे नोट डाउन कर लीजिए। S करके आगे एक नंबर है, वही इस प्रॉपर्टी का कोड है।
प्लीज़ गिव अस अ कॉल एज सून एज पॉसिबल। और ये फ्लैट बहुत जल्दी निकल जाएगा क्योंकि ये लोनेबल प्रॉपर्टी है, लोन हो जाएगा इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा अच्छा। आप बोलोगे तो 90% तक मैं लोन करा सकता हूँ इसके ऊपर आपका, बशर्ते आपकी प्रोफाइल मैच करनी चाहिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।